सबसे नीचा पद होता है चांडाल का। द लोएस्ट पोजिशन इज ऑफ चांडाल, दोज हू क्रिमेट कॉर्पसेस। उनमें भी राजघराने के भी चांडाल होते हैं। देर आर रॉयल चांडाल इवन अमंग देम। क्या? वॉट? कौन चांडाल? विच चांडाल? जो राजघराने के चांडाल बनते हैं और प्रजापद के चांडाल होंगे या नहीं? दोज हू बिकम द चांडाल ऑफ द रॉयल फैमिली एंड विल देयर बी द चांडाल ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी और नॉट? प्रजा वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो उनके शरीर को ठकाने, मुर्दे को ठकाने, ठिकाने लगाने वाले चांडाल होंगे या नहीं? और चांडाल कौन बनते हैं? स्टूडेंट्स, देयर विल, इफ समवन लीव्स द बॉडी इन द सब्जेक्ट्स कैटेगरी, विल देयर बी समवन हु क्रीमेट्स देयर बॉडी और नॉट? स्टूडेंट्स, देयर विल। एंड हु बिकम चांडाल? कोई हिसाब बताया कि नहीं? वाज सम अकाउंट मेंशनड और नॉट? जो सबसे नीचा पद चांडाल का है वो किनको मिलता है? हु रिसीव द लोएस्ट पोजिशन ऑफ चांडाल? जो दे करके वापस ले ले। दोज हू गिव एंड टेक बैक। चाहे तन की प्रॉपर्टी हो, चाहे धन की प्रॉपर्टी हो, चाहे तन के बाल बच्चे हो, तन के संबंधी हो, चाहे वस्तुएं हो, जैसे मकान आदि। वेदर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ मनी, द चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द बॉडी, द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी और थिंग्स लाइक हाउस एटसेट्रा। ऐसे भी होता है ना? इट हैपेंस, डजंट इट? ईश्वरीय सेवा में आज मकान देते हैं और कल उस मकान में दखलंदाजी करने लग पड़ते हैं। टुडे दे गिव देयर हाउस इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड टुमारो दे स्टार्ट इंटरफियरिंग इन दैट हाउस। करते हैं कि नहीं? डू दे डू इट और नॉट? दखलंदाजी करने लग पड़ते हैं। दे स्टार्ट इंटरफियरिंग। इतना ही नहीं, वापस भी ले लेते हैं। नॉट जस्ट दिस, दे इवन टेक इट बैक। सहज तरीके से वापस नहीं मिलता है, नहीं तो मोहल्ले पड़ोस में हुड़दंग पैदा करते हैं। When they don't get it back easily, student, they ask for it. No, they create a commotion in the locality and the neighborhood. भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में झूठी शिकायतें लिखाते हैं। They lodge false complaints to the corrupt government. और परेशान करके आखरी ले ही लेते हैं। एंड अल्टीमेटली दे टेक इट बैक आफ्टर गिविंग ट्रबल। तो क्या बनेंगे? सो व्हाट विल दे बिकम? चांडाल बनेंगे। दे विल बिकम चांडाल। अब वो चाहे सरेंडर वर्ग में हो और चाहे न सरेंडर होने वाले गर्गस्थ में रह करके पुरुषार्थ करने वालों में हूँ। Now they may be in the surrendered category, or they may be among those who aren't surrendered, who stay in the household and make पुरुषार्थ। सरेंडर होकर के जो वापस ले लेते हैं, तन हो या धन हो, तो वो क्या बनते हैं? Those who take something back after being surrendered, whether it is the body or wealth, what do they become? चांडाल तो बनते हैं, लेकिन दो प्रकार के चांडाल बताए ना? Students, चांडाल, they do become चांडाल, but two types of चांडाल were mentioned, weren't they? भूल गए? Did you forget?
राज घराने के चांडाल बनेंगे। दे विल बिकम द चांडाल ऑफ द रॉयल फैमिली। कहाँ के चांडाल बनेंगे? दे विल बिकम द चांडाल ऑफ विच कैटेगरी? राज घराने के चांडाल बनेंगे। लेकिन सरेंडर होकर के वापस ले लिया, तन लेकर के चले गए दुनिया में, धन लेकर के दुनिया में चले गए, फिर डिसर्विस की क्या? दे विल बिकम द चैंडल ऑफ रॉयल फैमिली बट इफ दे टेक बैक व्हाट दे हैड गिवन आफ्टर बीइंग सरेंडर्ड, इफ दे गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर टेकिंग देयर बॉडी बैक, इफ दे गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर टेकिंग द वेल्थ एंड डू डिसर्विस, व्हाट? बाप का नाम बदनाम भी किया। दे ऑल्सो ब्रिंग डिसग्रेस टू द फादर। तो फिर प्रजावर्ग में चले जाते हैं। Then they will go to the subject category. क्योंकि जब बदनाम करेंगे तो किनकी सेवा करेंगे? It is because when they bring disgrace to the father, who will they serve? प्रजावर्ग के लोगों की सेवा करेंगे। They will serve the people of subject category. ऐसे होता है, वैसे होता है, ये ज्ञान ये कहता है, ये कहता है, वो कहता है, ज्ञान को तोड़ मरोड़ के सुनाएंगे। They will say, it happens this way, it happens that way, the knowledge says this, the knowledge says that. They will twist and narrate the knowledge. Disservice करेंगे। They will do disservice. तो प्रजावर्ग के चांडाल बन जाते हैं। Then they become the चांडाल of the subject category.